रोजगार सेवक संघ प्रभारी के ऊपर उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर पंजीकृत FIR एवं सेवा समाप्ति की कार्यवाही को रोकने के लिए विकास खंड खड्डा के प्रांगण में रोजगार सेवकों द्वारा 23 सितंबर 2021 दिन बृहस्पतिवार को खंड विकास अधिकारी खड्डा के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंप अपने द्वारा मांग किए गए मांगों को बताया। ज्ञापनकर्ताओं में रोजगार सेवक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष खड्डा दिलीप चौहान के साथ दीप प्रकाश पांडे, दिलीप चौहान, लाल बहादुर यादव, अनुज चौधरी, हरि प्रसाद, अखलाक अल्ताफ, शाहिद अली, नंद किशोर, योगेश शर्मा, रामायण गुप्ता आदि रोजगार सेवक उपस्थित रहे। इन समस्याओं को लेकर आपने प्रदर्शन किया है। इस समय हम लोगों की जो सबसे प्रमुख समस्या है वो हमारे उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के प्रदेश प्रभारी श्री कमलेश कुमार गुप्ता जी, जो आज से 4-5 दिन पहले हम लोग के खिलाफ नौकरशाहों की जो दमनकारी नीतियाँ रणनीतियाँ जो बनते रहती हैं, जिसे हम लोग काफ़ी व्यथित और दुखदायी जीवन जी रहे हैं, जिसका उन्होंने बखूबी अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि हम लोग के साथ अगर ऐसा होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी किरकिरी होगी, आपका मान सम्मान को ठेस पहुंचेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। उन्होंने इस विषय में सिर्फ इतना ही लिख दिया कि लंका दहन करने के लिए हनुमान जी काफ़ी थे, अगर ऐसा नहीं होता है, हम लोग के साथ अगर इसी तरह दमनकारी नीतियाँ चलती हैं तो यहाँ 45,000 हनुमान हैं जो इस लंका को फूंकने का काम करेंगे। इस बात से नाराज होकर हमारे SES महोदय व्यक्तिगत रूप से उसमें रुचि लेते हुए कल उन्होंने जो है अपने शासन स्तर से जिलाधिकारी महोदय कुशीनगर को PD साहब और DC साहब के माध्यम से FIR दर्ज करा गिरफ्तारी के लिए और उनके पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए उन्होंने पत्र जारी किया, जिसके बाद इसके खिलाफ आज हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के हर विकास खंडों से हम उनकी नीति और उनके उस पत्र का हम लोग निंदा करते हैं और उसका विरोध करते हैं। हम लोग की मांग यही है कि हमारे जो प्रदेश प्रभारी कमलेश कुमार गुप्ता जी हैं, उनके ऊपर जो फर्जी जिस तरह से निंदनीय जो FIR दर्ज हुआ है उस मुकदमा को वापस लिया जाए, उनकी सेवा समाप्ति की जो उन्होंने रणनीति बनाई है, जो उन्होंने लिखा है, उसको वापस लिया जाए। फिलहाल यही हमारी मांग है। अगर वापस नहीं लिया जाता है तो आप अगर नहीं लेते हैं तो हम इसके लिए आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम सड़कों पर उतर आएंगे, जो कुछ भी करना हो करें, ईंट से ईंट बता देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जरूरत पड़ा तो उत्तर प्रदेश के 45,000 ग्राम जगह सब लोग इस्तीफा देंगे या उनके सबके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, बस यही हम लोग के पास विकल्प है। ग्राम रोजगार सेवक एकता, कमलेश कुमार गुप्ता, कमलेश कुमार गुप्ता।